नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। मध्य प्रदेश के मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल की कुर्सी पर खतरा मंडराने लगा है। वो अपने बेटे अभिज्ञान पटेल के चलते विवादों में फंस गए हैं। अभिज्ञान पटेल पर मारपीट करने का आरोप है। मंत्री के बेटे पर आरोप यह है कि उन्होंने भोपाल में एक बाइक सवार के साथ मारपीट की थी और इस दौरान बीच बचाव में आए एक दंपत्ति को भी मंत्री के बेटे और उसके साथियों ने घायल कर दिया और इस घटना को लेकर अभिज्ञान पटेल के खिलाफ एफआईआर के मामले में इस पूरे घटनाक्रम में नया मोड़ उस वक्त आया जब राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल खुद अपने समर्थकों के साथ शाहपुरा थाने पहुंच गए। मंत्री ने पुलिस कर्मचारियों पर उनके बेटे के साथ मारपीट का आरोप लगाया, जिसके बाद आनन फानन में चार पुलिस कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया और इस घटना के बाद प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि प्रदेश में अराजकता का माहौल है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इस पूरी घटना को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। जीतू पटवारी पीड़ितों से मिलने पहुंच गए और जीतू पटवारी ने पूछा कि पुलिस कर्मचारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। इस घटना से सियासी पारा इतना चढ़ गया कि अब मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल की कुर्सी भी खतरे में आ गई है। चुनावी मौसम में कांग्रेस इसे खूब उछालेगी। सरकार के लिए मंत्री का बचाव करना भारी पड़ सकता है। ऐसे में नरेंद्र शिवाजी पटेल को मंत्री पद से हटाने की भी चर्चा होने लगी है। और इतना ही नहीं, बयानों से ऐसा भी लग रहा है कि नरेंद्र शिवाजी पटेल खुद को पार्टी से ऊपर समझते हैं और सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वे लोगों को संबोधित कर रहे हैं। वीडियो में साफ सुनाई दे रहा है कि वो खुद को पार्टी से ज्यादा ताकतवर समझते हैं। वो कह रहे हैं कि पूरी पार्टी एक तरफ, नरेंद्र शिवाजी पटेल एक तरफ, मुझे टिकट मिला तो मैंने दिखा दिया कैसे जीता जाता है। हमसे सीखो, सच बता रहा, हमसे सीखो कैसे मोटिवेटेड रह सकते, हमसे सीखो। पूरी पार्टी एक तरफ, नरेंद्र शिवाजी पटेल एक तरफ। हमसे सीखो, सच बता रहा, हमसे सीखो कैसे मोटिवेटेड रह सकते, हमसे सीखो। पूरी पार्टी एक तरफ, नरेंद्र शिवाजी पटेल एक तरफ। हमसे सीखो, सच बता रहा, हमसे सीखो कैसे मोटिवेटेड रह सकते, हमसे सीखो। पूरी पार्टी एक तरफ, नरेंद्र शिवाजी पटेल एक तरफ। सिर्फ मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ही नहीं, उनका बेटा अभिज्ञान पटेल भी खुद को कम नहीं समझता। अभिज्ञान सरकारी कार्यक्रमों में शामिल होता है। हितग्राहियों को मंच से चेक करते हुए उसकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं। वो किस हैसियत से हितग्राहियों को चेक बांटता है, ये समझ से परे है, जबकि उसके पास ऐसा कोई सरकारी पद नहीं है। भोपाल में एक गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में भी कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जिनमें मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने बेटे अभिज्ञान को राज्यपाल के साथ मंच पर बैठा दिया। बेटे को किस हैसियत से मंच पर राज्यपाल के पास बैठाया गया, ये समझ से परे है। तस्वीरों से भी लग रहा है मंत्री जी और उनके बेटे अपने रसूख का प्रदर्शन करने से नहीं चूकते। बात करेंगे हमारे सहयोगी दिनेश, हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, जो अभी परिस्थितियां चल रही हैं, इससे घूम फिर कर क्या अभी तक पार्टी की तरफ से वहां कोई स्टैंड लिया जा रहा है, कार्यकर्ताओं में क्या संदेश जा रहा है, क्या पुलिस कार्रवाई कर रही है, अभी कहां तक पहुंची है जांच पड़ताल इस पूरे मामले की? दिनेश, आपको आवाज मिल पा रही है तो सवाल एक बार फिर से दोहरा देता हूं, क्या अभी इस पूरे घटनाक्रम में जांच हुई, पुलिस क्या कह रही है और खुद कार्यकर्ताओं में क्या मैसेज जा रहा है, नरेंद्र शिवाजी पटेल के बेटे की
जो मारपीट की बातें सामने आई, वीडियो सामने आया, और अभी क्या स्थिति है फिलहाल, क्या डिटेल्स हैं अपने पास? आशीष जी, आपकी आवाज बहुत ही स्लो वीक आ रही है। जी जी, क्या अभी अपडेट क्या है इस मामले में, क्या जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल आशीष, मैं आपको बता दूं, इस तरीके से बात की जाए, जैसे ही ये मामला तूल पकड़ा है, रंगपंचमी के दिन स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र सिंह पटेल के बेटे का भोपाल में इस तरीके से मारपीट का वीडियो सामने आया, उसके बाद तमाम तरीके से यहाँ पर जो है सियासत भी इस पर गर्मा गई है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं अब कांग्रेस हमलावर है, और मंत्री के पद को लेकर यहाँ पर उनके कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे मंत्री को तुरंत ही बर्खास्त करें जिसके बेटे के यहाँ पर खुलेआम यहाँ पर गुंडागर्दी दिखाई दे रहे हैं। भी कई ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी और अपडेट है मंत्री को लेकर, जिस हिसाब से एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें नरेंद्र शिवाजी पटेल कहते दिखाई दे रहे हैं कि पूरी पार्टी एक तरफ और अकेला नरेंद्र शिवाजी पटेल एक तरफ दिखाई दिया। इसके बाद ही एक बेटे जो अभिज्ञान पटेल हैं उनके सरकारी कार्यक्रमों में जाना, साथ में पिता के साथ मंच पर बैठना, और हितग्राहियों को शादी समारोह में यहाँ पर चेक वितरण करना, इस तरीके की जो लगातार यहाँ पर मामले सामने निकल के आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं अब रायसेन में भी हम बात कर रायसेन जिले की, क्योंकि उदयपुरा विधानसभा क्षेत्र से मंत्री नरेंद्र सिंह पटेल आते हैं, तो यहाँ पर जिले में भी यहाँ पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो उनके ही पार्टी के नेता कार्यकर्ता हैं वो भी इस मामले में अब खुलकर सामने आ गए कि जिले से इतने नेता दिग्गज रहे हैं। गौरीशंकर सेजवार की हम बात करें, रामपाल सिंह राजपूत, सुरेंद्र पटवारा, तमाम ऐसे बड़े दिग्गज नेता रहे, लेकिन किसी भी प्रकार के किसी नेता पुत्रों का ऐसा मामला निकल के सामने नहीं आया है। लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी से पहली बार टिकट पाकर विधायक बने और मंत्री बन गए, उनके बेटे यहाँ पर इस तरीके से गुंडागर्दी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बड़ा सवाल आशीष यहाँ पर उठ रहा है, और इस मामले में लगातार तूल और वो वीडियो भी दिनेश वायरल हो रहा है काफी, जिसमें मंत्री महोदय कह रहे हैं कि पूरी पार्टी एक तरफ और नरेंद्र शिवाजी पटेल एक तरफ। बिल्कुल आशीष, वही मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि लगातार यहाँ पर जिस तरीके से टिकट हुआ था, पहले तो सवाल उठ रहा था टिकट को लगातार यहाँ पर पार्टी के नेता पूर्व विधायक यहाँ पर रामकृष्ण पटेल, वो बगावती तेवर यहाँ पर नरेंद्र भाई ने अपनाए थे, भोपाल तक शिकायत की थी कि टिकट कैंसिल कराया जाए, लेकिन जिस तरह से टिकट हुआ, चुनाव जीते, और फिर जिस हिसाब से पहली बार विधायक बने, पहली बार विधायक बनने के बाद मंत्री बना दिया, तो जिले से जो गद्दावर नेता हैं, डॉक्टर गौरीशंकर सेजवार हो, रामपाल सिंह राजपूत, सुरेंद्र पटवा, कोई यहाँ से मंत्री नहीं बना, नरेंद्र सिंह पटेल यहाँ से मंत्री बनते हैं, और मंत्री बनने के कहीं ना कहीं इस तरीके की घटना सामने आई, सुर्खियों में जो लगातार मंत्री यहाँ पर बने रहते हैं, जैसे हमने खबर दिखाई थी पहले फटकार लगाई थी उन्होंने अस्पताल में जाकर, उस दौरान महिला मरीज उनको नहीं पहचान पाई थी, तो ऐसी वो लगातार सुर्खियों बने थे। लेकिन जिस हिसाब से उनके बेटे का जो मामला फिलहाल में सामने आया है, इस बेटे के मामले के आने के बाद कहीं ना कहीं मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल मुश्किल में दिखाई देते हैं, उनकी कुर्सी यहाँ पर मुश्किल में दिखाई दे रही है, उनका मंत्री पद यहाँ पर मुश्किल में दिखाई दे रहा है, तो कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल है। अब राजधानी भोपाल से लेकर दिल्ली तक ये मामला पहुँच चुका है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली में है, और दिल्ली में भी बताया जा रहा है कि इस मामले पर वरिष्ठ नेताओं से यहाँ पर कहीं ना कहीं चर्चा होने वाली है कि मध्य प्रदेश का जो मामला उठा है, क्योंकि चूंकि लोकसभा चुनाव यहाँ पर है, और जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में यहाँ पर कहीं ना कहीं जो इस तरीके मामले सामने निकल के आएंगे, तो कहीं ना कहीं बड़ा सवाल उठेगा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी चाल चरित्र की बात करती है, और जिस हिसाब से मोहन यादव ने सीएम ने यहाँ पर कड़े रुख यहाँ पर अपनाए थे, अधिकारियों को लेकर तुरंत सस्पेंड किए थे, कई अधिकारियों के तबादले किए थे, उसके बाद अगर ऐसे ही मंत्री का कोई मामला सामने आया और मंत्री पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, निश्चित रूप से यहाँ पर सवाल खड़े होंगे, लगातार यहाँ पर हमलावर दिखाई दे रही है, नजर बनाए रखिएगा, आगे डिटेल लेंगे आपसे। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और इंदौर में विधायक समर्थकों पर गुंडागर्दी का आरोप लगाया, कांग्रेस ने विधायक मधु वर्मा के समर्थकों पर गुंडागर्दी का आरोप लगाया, कैफे संचालक के साथ कर्मचारियों के साथ मारपीट की गई, और मारपीट का आरोप महिला कर्मचारी के साथ भी बदसलूकी का आरोप लगा है, घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, पुलिस पर समझौता कराने के लिए दबाव डालने का आरोप है, कैफे संचालक ने पड़ोस में रहने वाले कपिल हार्डिया पर आरोप लगाया है। के समर्थक पुलिस के सामने एक कैफे संचालक की पिटाई कर देते हैं, विधायक के समर्थक है, कुल मिलाकर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेता और उनके रिश्तेदार निरंकुश हो चुके हैं, एक जंगल राज बन चुका है, क्योंकि सैया भय कोतवाल तो अब डर खाएगा, ये सत्ता का मद है, सत्ता का घमंड है जो इनके सिर। और
और छिंदवाड़ा में कमलनाथ को बड़ा झटका लगा। दरअसल सीएम डॉक्टर मोहन यादव के दौरे के पहले कमलनाथ के गढ़ में बीजेपी ने बड़ी सेंधमारी की है। नगर निगम के महापौर विक्रम अहाके ने कांग्रेस छोड़ बीजेपी की सदस्यता ले ली है। भोपाल में सीएम हाउस में सीएम डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बीजेपी की सदस्यता दिलाई और इस मौके पर कई और कांग्रेस नेता भी शामिल हुए। समाज के राज परिवार के हराई के विधायक कमलेश शाह जी का जिस ढंग से उनने बेईमान गद्दार आदिवासियों को इसी शब्द बोलना एक शोभा नहीं देता है। इसी बात से आहत होकर के छिंदवाड़ा महापौर हमारे विक्रम भाई उनने कहा कि मुझे ऐसी पार्टी में नहीं रहना जहां आदिवासियों का अपमान होता है। तो आज उन्होंने अपनी कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके भाजपा में वो ज्वाइन हुए हैं। इस अवसर पर सभापति वो भी ज्वाइन हुए महापौर और सभी लोगों से कहा कि छिंदवाड़ा के विकास में हम कोई कोर कसर बाकी नहीं रखेंगे। कई पार्षदगण भी सब मिल के आए, नए निशय के जिला अध्यक्ष, विधानसभाओं के प्रभारी, बहुत सारे लोग आए। मैं सबका स्वागत करता हूँ। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का गढ़ कहे जाने वाले छिंदवाड़ा में पार्टी को बड़ा झटका लगा है। महापौर विक्रम अहाके अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। आपसे कुछ देर पहले ही सीएम हाउस में उन्हें खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भाजपा की सदस्यता दिलाई है। सैयद जफर भी उनके साथ हैं। कुछ दिन पहले सैयद जफर ने भी बीजेपी का दामन थामा था। क्या वजह है कि लगातार कांग्रेस में वहां टूट हो रही है और खासतौर पर आपको ऐसा निर्णय क्यों लेना पड़ा? राम मंदिर के आमंत्रण का ऑफर शहर से अस्वीकार किया कांग्रेस ने, इससे कहीं ना कहीं आहत है। दूसरी चीज है, आज प्रदेश में और देश में जो मोदी जी की आदरणीय मोहन यादव जी की जो जनकल्याणकारी योजनाएं हैं उसको जमीन में पहुंचाने के लिए और छिंदवाड़ा इससे अछूता ना रहे, इसको लेकर आज हम भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। कमलनाथ जी या नकुलनाथ जी से कोई नाराजगी है क्या? नहीं, कि वो दोनों हमेशा मेरे सम्मानी थे, सम्मानी हैं और हमेशा सम्मानी रहेंगे। लेकिन अब हम मोदी जी के साथ जुड़ना चाहते हैं, विकास के साथ जुड़ना चाहते हैं और जो तमाम मूलभूत सुविधाएं छिंदवाड़ा की जनता को मिलनी चाहिए उसको लेकर निर्णय लिए। तो विक्रम अहाके हमारे साथ थे, बीजेपी का दामन इन्होंने थामा है और बीजेपी हो तो और तेजी से विकास होगा। मोदी जी की रीति नीति से प्रभावित होकर भाजपा में आए। वीडियो जर्नलिस्ट मोहसिन खान के साथ न्यूज 18 के लिए भोपाल से वासु चौरी। और छिंदवाड़ा महापौर विक्रम अहाके का बीजेपी में जाना और उसके बाद कांग्रेस ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस प्रवक्ता अभिनव बलिया ने आरोप लगाया कि बीजेपी के लोग डराने धमकाने की राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ठगने वाली पार्टी है और सभी ठगी करने वाले एक साथ आ गए हैं। उन्होंने कहा कि किसी के आने जाने से कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता, कांग्रेस यहां बड़ी जीत दर्ज करेगी। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में कांग्रेस 20 से 22 सीटें जीतेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक ठगने वाली पार्टी है और ये पूरे जो ठग करने वाले लोग हैं ये एकत्रित हो गए हैं और लगातार डराने धमकाने की जो राजनीति कर रहे हैं उससे वो सोच रहे हैं कि हम जीत जाएंगे। लेकिन जो जनता है वो समझ रही है कि तो ये तमाम लोग जो हैं ये सिर्फ धंधा करने के लिए बैठे हैं, नफरत फैलाने के लिए बैठे हैं, तोड़ने के लिए बैठे हैं, जोड़ने की बात कभी नहीं करते। तो किसी के आने से, किसी के जाने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है और एक बहुत बड़ी जीत मध्य प्रदेश में होगी। कम से कम 20 से 22 सीट कांग्रेस पार्टी जीतेगी। तो अब जो बातें सामने आ रही हैं, जो बयान दिए जा रहे हैं, उससे साफ जाहिर है कि कांग्रेस पार्टी के लिए यहां स्थिति काफी चुनौतीपूर्ण हो चुकी है। जिस तरह से लगातार नेतागण पार्टी छोड़ करके जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, अब देखना होगा कि क्या यहां पर स्ट्रैटेजी कांग्रेस पार्टी अपनाती है। और धार की भोजशाला पर आज सुप्रीम सुनवाई। इस बीच एक बड़ी खबर, भोजशाला में क्या सर्वे जारी रहेगा? मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। एएसआई यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का सर्वे जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, लेकिन कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की इजाजत के बिना आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट के आधार कोई कार्रवाई नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वहां फिजिकल खुदाई यदि ऐसा कुछ न हो जिसके धार्मिक चरित्र बदले जाएं
और सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका पर नोटिस जारी किया है। हिंदू पक्ष से इस पर 4 हफ्ते में जवाब भी मांगा गया है। बहरहाल आपको बता दें कि इस पूरे सुनवाई के दौरान भोजशाला सर्वे से जुड़ी ये बड़ी खबर है, जिसमें मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। दरअसल इस याचिका को लेकर भोजशाला की आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सर्वे को बंद किए जाने की जो मांग थी वो मानी नहीं गई है, लेकिन फिर भी नोटिस जारी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की इजाजत के बिना आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के आधार पर कोई कार्रवाई न की जाए, ये टिप्पणी भी की है कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वहां फिजिकल खुदाई यदि ऐसा कुछ न हो जिससे धार्मिक चरित्र बदला जाए। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका पर नोटिस जारी किया है, हिंदू पक्ष से 4 हफ्ते में जवाब भी इस पर मांगा गया है। तो यहां ये कहा जा सकता है कि कोर्ट की तरफ से मुस्लिम पक्ष को उसकी बात को मानने वाली कोई स्थिति यहां पर थी नहीं थी। यहां उनकी मांग को माना तो नहीं गया, लेकिन उन्हें एक राहत ये जरूर दी गई है कि रिपोर्ट के आधार पर कोई कार्रवाई करने, और हिंदू पक्ष की तरफ जो नोटिस जारी हुआ है वहां से क्या जवाब आता है इस पर भी, और ये सब कुछ मुस्लिम पक्ष की तरफ से लगाई गई याचिका के बाद आदेश दिया गया कोर्ट की तरफ से। और कोर्ट ने हालांकि इस पूरे मामले में कई बातों का जिक्र किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वहां फिजिकल खुदाई ऐसा कुछ ना हो जिससे धार्मिक चरित्र बदल जाए। तो ये जो बातें अब तक सामने आई हैं, सुशील पांडे उनसे बात करेंगे। सुशील, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, क्या डिटेल्स मिल पा रही है भोजशाला को लेकर? जी देखिए, भोजशाला के मामले में फिलहाल किसी भी तरीके से सर्वे पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो सर्वे का काम चल रहा है वो चलता रहेगा, लेकिन जो भी फिलहाल फाइनल कंक्लूजन आएगा वो फिलहाल आदेश सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर निर्भर करेगा। कोई कार्रवाई करने का आदेश देने से फिलहाल मना किया है। सुप्रीम कोर्ट ने ASI को ये भी कहा है कि जो खुदाई की प्रक्रिया है उस प्रक्रिया से फिलहाल ASI को बचना चाहिए, जिससे जो फिलहाल भोजशाला का धार्मिक चरित्र है उसमें किसी भी प्रकार की कोई परिस्थिति में बदलाव देखने को ना मिले। और फिलहाल मुस्लिम पक्ष की याचिका को एडमिट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है, और इस पूरे मामले पर अब सुप्रीम कोर्ट आने वाले 4 हफ्ते बाद सुनवाई करेगा। लेकिन फिलहाल ASI को यह आदेश दिया है कि इस पूरे मामले में कोई भी खुदाई ना की जाए जिससे जो धार्मिक चरित्र है उसमें बदलाव आए। लाइव लगाओ भैया, फोन आ रहा है तुम्हें। और ये जो मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है उस पर भोजशाला मामले में सुशील पांडे से हम बात कर रहे हैं, हमारे सहयोगी लगातार इस पर डिटेल्स दे रहे हैं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के तरफ से बिना इजाजत कोई कार्रवाई न किए जाने की भी बात कही गई है, और इस सर्वे से जो रिपोर्ट तैयार होगी उस रिपोर्ट के आधार पर वहां कोई कार्रवाई न हो, और ये अभी स्वाभाविक है इस पूरे मामले में। हालांकि इंदौर हाईकोर्ट ने जिस तरह सर्वे किए जाने की निर्देश दिए थे और रिपोर्ट सबमिट करने की बात कही थी, तो कोर्ट उस पूरे मामले में निर्णय लेगा रिपोर्ट के आधार पर। हालांकि रिपोर्ट के आधार पर कोई कार्रवाई पहले भी नहीं की जानी थी, वो अदालत के फैसले के बाद ही होती। यहां पर कोर्ट ने भी उसे एक बार टिप्पणी के माध्यम से हाईलाइट कर दिया है और हिंदू पक्ष को नोटिस जारी किया है, अब मांगा गया है 4 हफ्ते में। सुशील हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। सुशील, अभी जो बात तो नहीं मानी गई है, जो चाह रहे थे मुस्लिम पक्ष के लोग वो तो नहीं हो रहा है, लेकिन जो नोटिस हिंदू पक्ष को जारी किया गया है और रिपोर्ट के आधार पर कोई कार्रवाई न करना, ये मुस्लिम पक्ष के लिए कुछ एक सांत्वना जैसा रहेगा? जी देखिए, इसको सांत्वना के तौर पर नहीं देखा जा सकता है। देखिए, केस का जो मेरिट है उस मेरिट के आधार पर अगर कोई याचिका किसी भी संबंधित अदालत में दाखिल की जाती है तो उसमें दो प्रमुख बातें होती हैं कि उस याचिका पर संबंधित अदालत सुनवाई के लिए तैयार होता है और दूसरे पक्ष को नोटिस जारी करता है। ये एक कॉमन प्रोसीजर होता है। इसमें संतावना तो तब मानी जाती जब सर्वे की प्रक्रिया पर रोक का आदेश दे देता सुप्रीम कोर्ट, तो ये माना जा सकता था कि उन्हें कोई राहत है। लेकिन चूंकि इस याचिका को एडमिट किया गया है, संबंधित पक्षकारों को नोटिस जारी किया गया है, तो ये एक कॉमन प्रोसीजर होता है जिसमें अब हिंदू पक्षकारों की तरफ से इस पूरे याचिका पर जवाब दिया जाएगा। मुस्लिम पक्षकारों की तरफ
दो अहम बातें कही गई। पहली कि हाई कोर्ट में उनके पक्ष को ठीक से नहीं सुना गया और जो सर्वे की प्रक्रिया वहां पर की जा रही है तो ऐसा ना हो कि सर्वे की प्रक्रिया के बाद कार्रवाई को लेकर आगे बढ़ जाए अदालत या फिर एसआई की इस रिपोर्ट के आधार पर जो फिलहाल इस पूरे मामले में जो रिपोर्ट आए उस रिपोर्ट को लेकर कंसीडर करते हुए मामला आगे बढ़े। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश जारी किया है कि सर्वे की जो प्रक्रिया है वो होती रहेगी लेकिन इस रिपोर्ट के कंक्लूजन के आधार पर अगली कोई कार्रवाई का आदेश ना दिया जाए, पहला। दूसरा कि अगर भोजशाला में तमाम तथ्यों का पता लगाया जा रहा है तो जो फिजिकल जो ग्राउंड लेवल पर काम किया जा रहा है जिसमें खुदाई और तमाम चीजें देखी जा सकती है वो प्रक्रिया ना हो जिससे जो अभी व्यवस्था है उस भोजशाला के तथ्य की या उसके चरित्र की उसमें किसी भी तरह का कोई बदलाव देखने को मिले। तो ये तमाम चीजें जो फिलहाल है वो कोर्ट ने अपने आदेश में सामने रखी हैं। कोर्ट ने ये स्पष्ट किया है कि धार्मिक चरित्र अगर किसी भी जो धार्मिक स्थल है अगर उसका बदल जाएगा तो प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट का वायलेशन माना जाता है जो पहले ही अदालतों ने क्लियर कर दिया है। इसीलिए कहा है सर्वे की प्रक्रिया जो है वो होती रहे लेकिन ऐसी कोई खोदाई ना हो जिससे उसका जो फिलहाल धार्मिक ढांचा है उसमें किसी तरीके का बदलाव देखने को मिले। ठीक है, आप सुशील रहिएगा हमारे साथ, बात करेंगे हमारे सहयोगी नवीन जो कि धार से इस वक्त मौजूद है। नवीन, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि सर्वे नहीं रुकेगा, सर्वे जारी रहेगा, आज 11वां दिन हो गया सर्वे का। हाँ जी, हाँ बिल्कुल, बताना चाहूँगा कि इंदौर हाईकोर्ट के आदेश के बाद में जो एएसआई की टीम लगातार धार की गौशाला का सर्वे में जुटी हुई है। सर्वे जो है आज सुबह से भी शुरू हो चुका है और अभी फिलहाल जो है सर्वे जारी है। वहीं आपको बताना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा है कि सर्वे इस प्रकार से होना चाहिए कि बोले गौशाला के धार्मिक चरित्र उसका चेंज नहीं होना चाहिए। तो मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ जो सर्वे चल रहा है सर्वे भी इसी आधार पर चल रहा है कि भोजशाला का स्वरूप कोई चेंज ना हो। भोजशाला में जिन 3 स्थानों पर खुदाई की जा रही है वो भोजशाला के अंदर नहीं है बल्कि भोजशाला परिसर से 50 मीटर की दूरी पर भोजशाला जहाँ है गर्भगृह है जो है गर्भगृह के ठीक पीछे जो है खुदाई चल रही है तो वो भोजशाला से बाहर है, भोजशाला परिसर से बाहर है पीछे की ओर। तो भोजशाला के अंदर फिलहाल जो है वो खुदाई नहीं है जबकि भोजशाला के 50 मीटर की परिधि में वो खुदाई चल रही है। हम लोग भी कोर्ट के ऑर्डर्स का वेट कर रहे हैं। ज्ञान पापी में भी हेयरिंग हुई जो लंच के बाद कंटिन्यू होगा उसमें कुछ कहना है उसके बारे में? भोजशाला ज्ञान हो इस प्रकार से सर्वे किया जाए तो टीम भी लगातार उसी प्रकार से सर्वे कर रही है। वही यदि सुरक्षा की बात हम करें तो भोजशाला परिसर के आसपास जो है सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, साथ ही पूरे शहर में भी चप्पे चप्पे पर पुलिस बल और सुरक्षा कर्मी तैनात है संदिग्ध इलाकों में। जी बिल्कुल, लेकिन अभी धार में कार्रवाई और कितने दिन चलने वाली है, अभी कितने और दिन यहां पर ये खुदाई और सर्वे का काम चलेगा? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि इंदौर हाई कोर्ट ने जो है 6 हफ्ते में एएसआई से इस पूरे सर्वे की जांच करके वो रिपोर्ट जो है वो बनाने को कहा है। तो 6 हफ्ते का समय जो दिया गया है वो तो हम मान के ही चल रहे हैं कि इतना समय लगेगा लेकिन जानकार सूत्रों के अनुसार जो है ये बात भी सामने आई है कि इतने समय में ये सर्वे पूर्ण नहीं हो पाएगा लिहाजा इसमें जो है और समय लग सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट से जो है एएसआई की टीम जो है और अधिक समय सर्वे के लिए मांग सकती है तो ये सर्वे जो है लंबा भी सुशील हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली से और सुप्रीम कोर्ट के बाहर। सुशील, अभी जो कोर्ट की तरफ से निर्देश दिए गए हैं कि अगर रिपोर्ट आ भी जाती है तो उसके आधार पर कार्रवाई ना हो, चूंकि ये मामला तो पहले ही इंदौर हाई कोर्ट की तरफ से बेंच की तरफ से निर्देश दिया गया था कि रिपोर्ट आप सबमिट कीजिए उसके आधार पर फैसला लिया जाएगा, तो इसको थोड़ा समझाइए कि एक तरफ इंदौर हाई कोर्ट का ये फैसला आगे रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई होगी, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने भी ये टिप्पणी उस पर कर दी, तो ये टिप्पणी किसको की गई है कि कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, ये किसको निर्देश दिए गए हैं? जी देखिये, ये निर्देश सीधे एएसआई को दिया गया है कि अब इस पूरे मामले का परीक्षण अगर देश की सबसे बड़ी अदालत कर रही है तो निश्चित रूप से हाईकोर्ट के उस आदेश का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। जिस औचित्य में हाईकोर्ट ने यह कहा था कि आप पहले सर्वे करें, सर्वे करने के बाद अपनी रिपोर्ट हमें दें और हम उस रिपोर्ट को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। अगर अब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि इस पूरे मामले में जो सर्वे है वो प्रक्रिया फिलहाल होती रहेगी तो निश्चित रूप से सर्वे पर किसी तरीके से कोई रोक नहीं है, लेकिन जो
भी फाइनल आउटकम आएगा वो अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक आएगा। और ऐसे में साफ तौर पर अगर देखा जाए तो अब ये माना जा सकता है कि इस सर्वे का जो भी आउटकम आएगा वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक ही अब आगे आएगा, क्योंकि अब जो भी सर्वे की रिपोर्ट होगी उस रिपोर्ट की जानकारी संबंधित अदालत को दी जाएगी, लेकिन उसकी जानकारी सुप्रीम कोर्ट को भी दी जाएगी कि इस पूरे मामले में सर्वे पूरा हो गया है, आगे की प्रक्रिया क्या हो। विष्णु शंकर जैन है जो इस पूरे मामले में है। सर, एक सवाल है कि सर्वे का आदेश फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने आउटकम कर लिया कि सर्वे होता रहे और जो भी फाइनल ऑर्डर होगा वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर निर्भर करेगा, लेकिन हाई कोर्ट ने भी ये कहा था कि सर्वे कंडक्ट कर लिया जाए और रिपोर्ट के आधार पर हम आगे बढ़ेंगे, तो उसको कैसे समझें? देखिए, बेसिक बात यह है कि आज भोजशाला मंदिर मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पार्टी को 4 हफ्ते का समय दिया अपना काउंटर एफिडेविट फाइल करने के लिए, नोटिस इशू किया है, पर सर्वे पे कोई रोक नहीं लगाई है, जिसका अर्थ यह है कि जो एसआई का सर्वे है वो चलता रहेगा। और साथ ही साथ कोर्ट ने कहा है कि सर्वे रिपोर्ट के आधार पर भी कोई फर्दर एक्शन ना लिया जाए, वो होने भी नहीं वाला है, क्योंकि रिपोर्ट ऑनरेबल हाईकोर्ट के सामने जाएगी, उसके बाद इस रिपोर्ट के फर्दर इवेल्यूएशन होगा, तो उसमें हमें कोई एतराज नहीं है। जहां तक बात है अपना काउंटर एफिडेविट फाइल करने की, तय समय सीमा के अंदर हम कोर्ट के सामने अपना एफिडेविट फाइल करेंगे और जो एसआई का सर्वे वो जारी रहेगा। विष्णु सर, एक और बात, धार्मिक ढांचे में बदलाव ना हो जिसको लेकर एसआई को भी बोला है कि खुदाई की जो प्रक्रिया है वो बहुत तय आधार पर ही किया जाए ताकि जो स्ट्रक्चर है उसका उसमें कोई परिवर्तन। देखिए, एसआई जब भी कोई खुदाई करता है सेक्शन 21 ऑफ द एक्ट में एसआई को पावर है खुदाई करने की, और एसआई कभी अपने प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट को डैमेज नहीं करता है। और जहां तक बात है कोर्ट के ऑपरेटिव ऑर्डर की, जब कोर्ट का ऑर्डर अपलोड हो जाएगा तभी हम उस पर कोई बात कर पाएंगे कि कोर्ट ने उस संबंध में क्या आदेश दिया। लेकिन बार बार मुस्लिम पक्षकार ये चाह रहे थे कि जो सर्वे की प्रक्रिया है उस पर तत्काल रोक लगाई जाए, इससे पहले भी वो आए थे, आज भी उन्होंने ये प्रेस किया कि सर्वे नहीं होने देना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल उनकी बात नहीं मानी। कोई भी आदमी अगर लॉजिक से बात करें तो लॉजिक यही कहता है कि जो एसआई सर्वे उससे किसी भी पक्ष को कोई हानि नहीं होगी, जो धार्मिक स्वरूप है उसको तय करने की स्वतंत्रता देता है जो एक्ट 1958 का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक्ट और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट भी, तो धार्मिक स्वरूप तय करने की ओर एक कदम है एएसआई का सर्वे। इसलिए एएसआई के सर्वे पर रोक लगाना मतलब वो चाहते ही नहीं धार्मिक स्वरूप तय हो, क्योंकि धार्मिक स्वरूप तय होगा तो जो झूठ है कि ये कमाल मौला मस्जिद है वो झूठ सामने क्या आ जाएगा। तो फिलहाल तैयारी होगी अब काउंटर एफिडेविट पे आपकी? नहीं, काउंटर एफिडेविट वहीं पूरा हमारा लॉ पॉइंट बहुत स्ट्रॉन्ग केस है, फैक्ट्स पे हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग केस है और बहुत बड़ी रिसर्च है जिसमें ये साबित होता है कि माँ वाघ देवी की ओरिजिनल मूर्ति यहाँ पे थी, हनुमान जी की मूर्ति यहाँ पे थी, पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए और विष्णु जी से बातचीत कराने के लिए। यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।